बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास वन, हाउ आर यू? होपफुली यू आर फाइन। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। किड्स, टेक आउट योर इंग्लिश लिटरेचर कॉपी एंड ओपन इट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डे 18। किड्स, आज हम डे 18 की वर्किंग करेंगे, जो है हमारी इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट नंबर 6, द ड्रॉन। और आज हमने इसके करने हैं आंसर क्वेश्चन, ठीक है? लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने इसके डिक वर्ड्स किए थे, रीडिंग की थी और वर्ड्स मीनिंग किए थे। अब हमारे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं, तो वो आज हमने करने हैं, ठीक है? चलें अपना काम स्टार्ट करते हैं। काम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि आपने अपनी राइटिंग जो है नीट रखनी है और अकॉर्डिंग योर फॉर्मेशन अपनी वर्किंग करनी है। आपके पेंसिल का लेड शार्प होना चाहिए, जिससे आपकी राइटिंग नीट शो। डन, चले स्टार्ट करते हैं। और बेटा एक और बात, आपने मेरे साथ साथ इसको लिखते लिखते रीड भी करना है, ठीक है? ताकि आपको ये भूले नहीं और आपको समझ आ जाए आपने क्या लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ अ मार्जिन लाइन विद टू फिंगर गैप। एट द टॉप ऑफ द पेज यू विल मेंशन डेट, क्लास वर्क एंड डे। इन द फर्स्ट लाइन यू विल राइट यूनिट नंबर 6। इन द सेकेंड लाइन यू विल राइट द यूनिट नेम, द ड्रॉन। In the third line, you will write answer these questions. Done. Our first question is, how is Wasif's dad clever? वो पूछे हैं कि वासिफ के डैड किस तरह से इंटेलिजेंट थे, ठीक है? उनको क्यों इंटेलिजेंट कहा गया है ये बताना है हमने। वो कैसे इंटेलिजेंट थे, तो कैसे इंटेलिजेंट थे हमने पढ़ा है ना। वो क्यों उनको उन्होंने फर्स्ट लाइन में क्लेवर कहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी यूजफुल थिंग्स बनाई थी। किसमें? अपनी वर्कशॉप में, ठीक है? उनके पास एक वर्कशॉप थी जिसमें वो बहुत सारी यूजफुल थिंग्स जो है बनाते थे। आंसर पढ़ें इसका, बिकॉज ही मेक्स लॉट्स ऑफ यूजफुल थिंग्स इन हिज वर्कशॉप। सेकेंड क्वेश्चन देखें, व्हाट डिड डैड मेक? वो पूछे हैं कि डैड ने क्या बनाया था, किसके डैड ने? वासिफ के डैड ने। वासिफ के डैड ने क्या मेक किया था? तो आंसर है इसका, डैड मेड अ ड्रॉन। डैड ने क्या बनाया था? एक ड्रॉन बनाया था। ड्रॉन मीन पता है ना क्या होता है, जो पायलट के बगैर एयरक्राफ्ट होता है उसको कहते हैं ड्रॉन। डन, आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हाउ डिड द डैड मेक द ड्रॉन कम बैक? कैसे डैड जो हैं उस ड्रॉन को वापस लेकर आए थे? अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करो तो आपको याद आएगा कि वासिफ ने एक ट्री पे एक चीज़ देखी थी, जब उसने कहा था कि उसे ड्रॉन को प्लीज़ उसी ट्री पर वापस लेकर आए, मैंने वहाँ पर कुछ देखा है। और वहाँ पर क्या था? उसकी ब्रांच पर शीबा थी। शीबा कौन थी? शीबा इज़ अ पेट कैट, ठीक है? वो उसकी पेट कैट थी। तो उसने क्या कहा था कि मैंने वहाँ कुछ देखा है, उसे वापस लाएं। तो फिर डैड ने उसको कैसे पीछे लेकर आए थे, वापस लेकर आए थे उस ट्री पर? बाय प्रेसिंग द नंबर 6। नंबर 6 को प्रेस करने से वो वापस आया था। डन, समझ आई? चले बेटा अपना काम स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत नीटली जो है नोट डाउन करना है, ठीक है? और अकॉर्डिंग योर फॉर्मेशन आपका काम होना चाहिए। चलें फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, हाओ, हा ओ वो, हाओ, आई सा इज, वो ए सा आई फा, वासिफ अपोस्ट्रॉफी एस, वासिफ्स, डा एडा, डैड क्लेवर, खा ला ई वा ईरा क्लेवर, हाओ इज वासिफ डैड क्लेवर क्वेश्चन मार्क। आंसर लिखें, बिकॉज बा ई ख ए आ सा ई, बिकॉज हा ई ही, मा ए का ई सा, मेक्स ला ओ टा सा, लॉर्ड्स ओफा ओफ, आ सा ई यूज, फा आ ला फुल यूजफुल, टा हा आई ना गा सा थिंग्स, आई ना इन, हा आई सा हिज, वो और आ का वर्क,
साहा ओपा शॉप वर्कशॉप फुल स्टॉप बिकॉज ही मेक्स लॉट्स ऑफ यूजफुल थिंग्स इन हिज वर्कशॉप डन। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। आर सेकेंड क्वेश्चन इज वर्ट वॉ एट अ वर्ट गिव वन फिंगर स्पेस द आई द डिड द एड अ डैड मा एक का ई मेक क्वेश्चन मार्क वर्ट डिड डैड मेक आंसर द एड अ डैड मा एडा ई मेड ए डारा ओना ई ड्रॉन फुल स्टॉप डैड मेड आ ड्रॉन। आर लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन इज हाउ हा ओ वो हाउ द आई डा डेड टा हा ई द एडा डैड मा ए का ई मेक टाहा इदा डारा ओ नाई ड्रॉन का ओ माई खा ओ माई कम बा एक खा का बैक क्वेश्चन मार्क हाउ डिड द डैड मेक द ड्रॉन कम बैक आंसर लिखें बा या बाए पारा ई डबल सा आई नागा प्रेसिंग टाहा ई द ना आ मा बार ईरा नंबर सिक्स फुल स्टॉप बाय प्रेसिंग द नंबर सिक्स फुल स्टॉप डन। चलें एक बार फिर रिपीट करते हैं मेरे साथ साथ पढ़ें। हाउ Is Wasif's dad clever? Answer: Because he makes lots of useful things in his workshop. Full stop. Second question pe aaye. What did dad make? Answer: Dad made a drawn. Our question number 3 is How did The dad make the drawn come back? Question mark. Its answer is by pressing the number 6. Done. बेटा ये आपका क्लास वर्क है ठीक है। 3 questions हैं जो आपने neatly और without any mistake अपनी copy पर note down करने हैं ठीक है। और इनको note करने के बाद आपने इनको जुबानी याद करके अपनी rough copy पर लिखना है ठीक है। अब ज़रा नीचे आ जाएं। बुक का पेज नंबर है 52। इसमें आपको यहाँ पे होमवर्क लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा जहाँ पे मैंने HW लिखा हुआ है ठीक है। इसमें बी वाला क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है नंबर 1 वाला। पुट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर राइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये नीचे 4 उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं आगे पीछे करके सेंटेंस हैं ये पूरे पूरे लेकिन आगे पीछे करके इन वर्ड्स को सेंटेंस को तोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इनको आपने अरेंज करके सेंटेंस मेक करने हैं ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला देखें क्लेवर वेरी डैड वासिफ इज कुछ समझ नहीं आ रहा ना। वर्ड ही समझ आ रहे हैं कि क्लावर लिखा हुआ है वेरी लिखा हुआ है फिर डैड है वासिफ्स है और फिर इज लिखा हुआ है ठीक है। अगर हम इसको सेंटेंस मेक करेंगे तो कैसे होगा वासिफ्स डैड इज वेरी क्लावर। अब समझ आई ना कि वासिफ के डैड जो हैं बहुत जहीन हैं ठीक है। समझ आ गया कि आपने इनको सेंटेंस मेक करना है। ये वर्ड्स इन्होंने दिए हैं आपको और इन्हीं वर्ड्स को आपने यूज करते हुए सेंटेंस की शक्ल देनी है इन्हें ठीक है। ये आपका डी तक होमवर्क है। आपने इसको अपनी कॉपीज पे ठीक है ये आपने अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करने हैं। और ये कौन सी कॉपी पे होंगे इंग्लिश लिटरेचर की कॉपी पे ठीक है। ये आपकी इंग्लिश लिटरेचर की कॉपी पे होमवर्क है और ये आपका क्लास वर्क है जो आपने इसे याद करना है और लिखना भी है ओके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।